जी हो गया जी। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल का गौर ब्रह्मानंद। पहले सुन लो, इसलिए प्रश्न है कि संसार से, ये माया से है, माया से हमें उधार कैसे मिलेगा। संसार मतलब जो हर समय सम्यक रूप से सरती, हमसे जो हर समय अलग हो रहे, धीरे धीरे हमसे जो अलग हो रहे धीरे धीरे, हाँ जो परिवर्तन से लिए है। संसार मतलब जो नश्वर है, जो अनित्य है। संसार मतलब यहाँ पर केवल दुख ही दुख है, यहाँ पर केवल दुख ही दुख ही है, हैं? इसमें कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, दुखी 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 है। इसलिए संसार, इसलिए श्री विश्वनाथ चकुर ठाकुर बताए, संसार दाबानल ली ढलो। संसार क्या है? दाबानल, जिसमें आग लगी हुई, जिसमें आग लगी हुई। इसलिए अब ये संसार मतलब दुखालय, इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? ये दुख का घर है। अशाश्वतम मतलब जहाँ पर कोई नित्य नहीं, कोई चीज परमानेंट नहीं, हर समय ये जो दो दिन का संसार है। इसलिए यदि जो संसार है, ये जो माया के बोले दुख ही दुख है, इसलिए बोले संसार दावान लाली ढलो, संसार भी आग लगी हुई है। इसलिए दुख कष्ट से फिर हमें उधार कैसे मिलेगा, किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, बोले भगवान के कृपा व्यतीत केहो कौन काले संसार तक उधार होते पारवे ना, तभी ये संसार दुख से हमें मुक्ति मिल सकती है। कैसे? जब अर्जुन की जो दैवी जो माया है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है, हैं? ये संसार से कोई भी पार नहीं हो पाए, ये माया बड़ी ठगिनी है, माया बड़ा ठगिनी है। ठगिनी मतलब क्या है? जो चीज़ हमें दिख रहा है ना, जो चीज़ हमें दिख रहा है, हैं? इसलिए वास्तव रूप में वो चीज़ है ही नहीं, हैं? वास्तव रूप में वो चीज़ है ही नहीं, इसलिए कहते हैं माया बड़ी ठगिनी है। इसलिए जो दैवी जो माया है, दैवी जैसा गुणमय मोह माया, कृष्ण कहते हैं माया मेरी ही माया है, हैं? दुरतया उसको तो दूर कर ही नहीं सकते हो, हाँ वही व्यक्ति माया से पार पा सकते हैं, कहते माम एवं, एवं मतलब निश्चित रूप में, हैं? इसलिए जो केवल मेरे शरण में ही शरणागत होंगे, माया एताम तरंति थे, तो वही व्यक्ति ये माया संसार से उद्धार हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन कहते हैं, अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्वभावे न भारत तत्प्रसादात पराम शांति स्थानंग प्राप्तसि शाश्वतम। कहते हैं अर्जुन, अगर जीवन में तुम परम शांति पाना चाहते हो, शाश्वत स्थान पाना चाहते हो, परमानेंट अगर स्थान पाना चाहते हो, उसका उपाय क्या है? बोले तमेव शरणम, जो एव शब्द होता है ना, वो निश्चित संस्कृत में हरे नाम एव, हरे नाम एव, जो एव शब्द होता है, हैं? ये निश्चित अर्थ में जहाँ किस चीज को एकदम पक्का करना है संस्कृत में, ये एव शब्द तभी प्रयोग होता है। इसलिए कहते माम एवं जे प्रपद्यन्ते, केवल जो मेरी शरण में आते हैं माया एताम करती थे, हैं? इसलिए तमेव शरणम गच्छ तत्प्रसादात परम शांति, कहते केवल मेरी कृपा से ही परम शांति परम आनंद केवल मेरी कृपा से ही मिलेगा, नहीं तो माया से कोई भी पार नहीं पा सकते, कोई भी, ब्रह्मा भी स्वयं। इसलिए यदि ये माया से कोई भी अभी तक कोई पार नहीं भाई, ये माया बड़ी ठगनी है, बड़ा मोहिनी शक्ति माया। इसलिए केवल जो कृष्ण जिसको पर कृपा करे ना, भगवान जिसको पर में कृपा करे, इसलिए कृष्ण कृपा करे माया जाल उठाए जगह, कद भगवान जो कृपा करके हैं ये माया जाल को हटा देते हैं, तभी ये जीव माया से
पार पा सकते, नहीं तो भगवान के व्यतीत कोई भी माया से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारा कृष्ण नित्य केना गोलाम एक कथाटा भूले गेले ही मायार गोलाम होते पड़वे। अमर कृष्ण नित्य केना गोलाम, इसलिए कहते हम लोग कौन है, कहते हम लोग कृष्ण का जो नित्य गोलाम है, गोलाम मतलब होता है दास, हम भगवान का नित्य ही दास है। लेकिन जब ये चीज को हम भूल जाते हैं फिर क्या होता है, फिर माया की दासत्व करना शुरू करते हैं, है? माया की दासत्व। अगर हमें याद रहे जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप क्या है, केवल भगवान की सेवा उनकी भक्ति, क्यों हम भगवान के नित्य दास ही। जब ये चीज को हम भूल जाते हैं फिर क्या होता है, फिर माया की सेवा करना शुरू कर देते हैं, है? माया की सेवा करना, माया की गुलाम हो जाते हैं, दासत्व करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हर समय हमें क्या याद रखना पड़ेगा, हर समय हम भगवान का ही नित्य दास है। इसलिए हम भगवान की सेवा के सिवाय और किसी का हम दासत्व नहीं करेंगे, किसकी दासत्व हम नहीं करनी चाहिए, केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए क्या करनी चाहिए, हम कल सुन रहे थे ना, इसलिए तभी ये संसार में परिश्रम करना हमारा सार्थकता है, सार्थकता है। अजय तुम्हारे परिवार के लोग जो भगवान के भजन करते हैं, इसलिए क्या करनी चाहिए, बच्चों को भजन की उपदेश देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या करना, जब तक माला नहीं करेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। बच्चे माला करते ही नहीं, जब ये स्कूल जाने से पहले इनको बोलना है एक एक माला करके जाओ, जो माला नहीं करेगा उसको भोजन नहीं मिलेगा। मेरे कौन बेटा बेटी, ये बेटा, ये बेटा, बेटी, ये तीनों बेटी हैं, ये बड़ी है, ये जो दिल के पास रहती है, ये छोटी है, ये छोटी है। वो महाराज जी मन मर्जी, मन में आएगा तो 16 माला कर लेगी, नहीं एक भी नहीं करेगी। नहीं नहीं, नियम बनाओ खाने से पहले कम से कम एक माला करके, हैं, एक माला करके जाओ। देखो उसमें होता है ना कृष्ण, बोला ना क्री मतलब होता है इसे जो आकर्षण करता है। जैसे पढ़ाई में मन कब लगेगा, जब मन स्थिर होगा। अगर मन अगर दोस्तों के पास यार को साथ में उसको पास में घूम रहा है तो स्मार्टफोन लग रहा है लगा हो, फिर बताओ फिर ये मन भजन में लगे कैसे, वो लगेगी नहीं मन। लेकिन क्री मतलब होता है ये जो भटक, तो ये मन को जो भटकने नहीं दे। क्री मतलब होता है आकर्षण, आकर्षण करना। इसलिए एक माला करोगे ना, देखना माला करोगे पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, फिर मन तुम्हारी इधर तो भटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं तो मन में अपने आप भजन होगा, अपने आप पढ़ाई मन लेगा। ठीक है ना, जब तक एक माला नहीं करना तब तक खाना मैया को नहीं मांगनी चाहिए, मैया को बोलने की जरूरत नहीं, जब मैया खाना दे टाइम हो गया जाऊँगा, है नहीं। जैसे हम सब काम के लिए समय निकाल देते हैं, सारे काम के लिए समय निकाल देते हैं, इसलिए फिर भगवान के भजन के लिए क्यों समय नहीं निकाला। ठीक है, 5-7 मिनट लग गया एक माला करने के लिए, इसलिए फटाफट हरि नाम करके बोले मैया मैंने एक माला कर लिया, अभी हमारे को भजन दो, अभी हमें प्रसाद दो। ठीक है ना, इतना कम से कम करना। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जब हम ये चीज़ को भूल जाएंगे, हम भगवान का नित्य दास है, फिर माया के दास होते हैं, माया की दासो तो करे, माया नफर रहो चिरकाल भूले, उनका दासो तो करके दिन जिंदगी भर डंडे खाते रहोगे, डंडे खाते रहोगे, हाँ भूले के लिए माया। भगवत सेवाई होलो भक्ति और भोग इच्छाई अभक्ति वा संसार। कहते भैया भक्ति किसको कहते हैं, हैं भक्ति किसको कहते हैं, भले भक्ति उससे कहते हैं भगवान का सेवाही भक्ति, ठाकुर का सेवा ही भक्ति। इसलिए जो रसोई बनाओ किस लिए बना रहे हो, ठाकुर जी का सेवा, ठाकुर जी को भोग लगेगा। घर में झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, भगवान के दरबार में, ठाकुर का मंदिर में। अपना शरीर को बढ़िया से स्नान करके कपड़ा पहने रहे हो, बोले क्यों, ये शरीर गंदा होगा तो ठाकुर का हम सेवा कैसे करेंगे, हैं कैसे करेंगे। इसलिए सवेरे उठ कर क्या करनी चाहिए, ये बच्चों को दायित्व दे देना, एक का ठाकुर, एक ठाकुर जी को स्नान कराएगा और स्नान करा के सुंदर करे उनको, रोज रोज नए नए कुछ अच्छे से बढ़िया बढ़िया कपड़ा रख लेना, हाँ अलग अलग सब ड्रेस रख लेना, रख करके
एक बेटी क्या करेगी सवेरे उठ करके ठाकुर जी को सुबह सुबह नमाज बैठा जाकर जिया करती थी महाराज, सुबह उठते ही नहाते ही लड्डू गोपाल को नहलाएगी, फिर उन्हें दूध का भोग लगाएगी तब उसे पी के बल्कि ये दो नहीं करेंगे, नहीं फिर एक एक महीना बांध लो, ये दो नहीं करेंगे, वो पहले कर देता था अब नहीं करेगा, एक एक हफ्ता बांध लो, जितना दिन एक हफ्ता क्यों, एक ठाकुर को नियम बनाओ, एक ठाकुर को मेरे पास दो लड्डू को बस एक इसको दे दे, एक छोटे एक बड़े, हाँ इसको दो दो बेटी दो करेंगे, बेटा को बोलना भोग लगाओ ठाकुर जी का, भोग लगाने गले में कंठी बहनना, कंठी है कि नहीं है ना, हाँ है ना, वो तुलसी माला ना इसमें निकाल नहीं, तुलसी माला कभी गला से नहीं निकलनी चाहिए, तुलसी लक्ष्मी है, तुलसी में भगवान का निवास है, हाँ उसी दिन तुलसी की महिमा बता रहे थे ना, जिसके गले में तुलसी कंठी जो एक एक कारण उसको टच करते हुए जाते ही कौन सा जगह मिलता है, सौ सौ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, महाराज जी सबने तुलसी की देनी है, नीम की सनु कह दे, महाराज जी ने भी बंधु पुनो कही तुलसी की बेदना खाते मान लेना है सब भार है, तो अब हुआ कि तुलसी की हो जाएगी तो फिर हुआ कि अब प्याज खानी ना, अभी अभी कहते हैं तो अभी खाते हैं क्या प्याज, नहीं जाना नहीं है, हां बाहर खाया है बर्गर बर्गर प्याज जाकर खाते हो घर में, नहीं घर में नहीं बनती है महाराज, बाहर जाकर प्याज लहसुन कुछ नहीं बनता, नहीं बाहर कहाँ खाते हैं, जैसे मोमोज खाया है नहीं, बर्गर खाया है नहीं, उसमें इधर सुना जब बाहर जाओ बोल कर खाओ, देखो हम प्याज बगैर प्याज के बगैर प्याज के बनाओ, उनको बोल देना हम प्याज नहीं खाते हैं बगैर प्याज के बनाओ, और जब बढ़िया बढ़िया खाने की इच्छा होगा अपना आप तुम घर में कभी कभी इनके लिए अपना घर में बना दो, ठाकुर जी को भोग लगेगी, ठाकुर जी को भोग लगेगी फिर ये प्रसाद पाएंगे खाना खाएंगे, ये समझ रहे हो, यही करती हूँ महाराज जी, खुद बनाना, ये जो बोलते हैं ना मैं खुद बना देती हूँ, वही चीजें जो मुझे नहीं आती है, और वो पहले मैं लड्डू गोपाल को लगाती हूँ, लड्डू गोपाल को दो दो लड्डू गोपाल को एक एक का स्नान कराएगा, ये दूसरे स्नान, और ठाकुर को सुंदर तिलक लगाना, ठाकुर को कपड़ा पहनाना है, ठाकुर जी को कपड़ा पहनाना, और ये बेटे को बोलना, अरे सुना ये बेटे को बोलना, ये ठाकुर जी को दो दो लड्डू गोपाल का सेवा करेंगे, और ये भोग लगाएगा, जब भोग लगाओगे इधर सुना, जब भोग लगाओगे ऐसे नहीं गंदा कपड़ा, नया कपड़ा होना चाहिए, हैं अच्छे कपड़े से, अच्छे कपड़े से ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को अभी हम गए थे कथा करने के लिए गए, देखो वो लोग थे साउथ के थे, मैंने देखा बच्चों को ऊपर में कैसे वो संस्कार पितामह डालते हैं, जो बेटा सीए नौकरी कर रहा है कहीं चेन्नई में वो आया था तो कैसे शिक्षा देते, बोले स्वामी जी को, स्वामी जी कहते हैं, बोले स्वामी जी को प्रणाम करो, उन्होंने पंचांग में नहीं पूरा लेट करके ऐसे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने देखा है ना, उनको देश में देखा है कैसे ठाकुर को प्रणाम, पूरा लेट करके प्रणाम करो संत जी को, प्रणाम करो सेठ जी को, और दुखा बच्चे को तिलक लगा कर लाए थे, मतलब वो बच्चों के ऊपर में जो पहले के जो संस्कार रहे ना, वो संस्कार को बच्चे के ऊपर में भी देते हैं, नहीं ऐसे करो, ऐसे प्रणाम करो, ऐसे भोग लगाओ, ऐसे करो, है मैंने तो हमें ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया ब्रिजबेन गया था, वहाँ पर भी देखा उन्होंने, देखा इंडिया से साधु आए हमको बुला कर लेके गए, दोनों बच्चों को संगीत सिखा रहे, तब ये पखवाजा सिखा रहे बच्चों को सिखा रहे, और बच्चों को देखा तो ऑस्ट्रेलिया में भी तिलक लगाए बच्चे, ऑस्ट्रेलिया में तिलक लगाए घर में, बड़ी सुंदर नारायण का विग्रह है ठाकुर जी की, उनको जो नीति नियम भारत से जो सीख कर गए पूरा सारे नीति नियमों को, विदेश में भी सारे नीति नियमों को भी करते हैं, घर में बड़े बड़े उत्सव भी घर में करते हैं, घर में अच्छे अच्छे उत्सव भी मनाते हैं, वहाँ विदेश में भी जाकर बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, हमने तिलक लगाओ वहाँ भी देगा, बच्चे सब पढ़ रहे हैं ये कर रहे हैं वहाँ पर तिलक लगाए हैं, इसलिए बच्चों को अच्छे 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 तरह से वही संस्कार को डालते हैं, ठीक है ना, इसलिए ऐसे मत समझो हम हीरो हो गए, और जो बच्चे बाहर जाते हो ऐसे बच्चों के साथ में मत मिलो जो लड़कियों के बारे में बात करती हैं, हैं लड़कियों कैसे लाइन मारेंगे कैसे ये करेंगे, उस दिन कमल प्रभु बोल रहे थे सुना है ना, उल्टा पुल्टा कैसे बात कैसे बाहर निकल गया, हम लड़कियों के साथ में छोटे छोटे 13 साल बच्चे हम लड़कियों के साथ में ऐसे करेंगे, बोले ऐसे बोल रहे थे
जो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, इतनी इतनी गंदी गंदी बात ये सब बच्चे कर रहे हैं, इसलिए इतने इतने बुरे संस्कार बच्चों को बढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसे लड़कों के साथ में मिलना नहीं है, ऐसे लड़कों के साथ में नहीं मिलना जो उल्टा सीधा गंदी गंदी बात करे, उल्टा पुल्टा। अरे लड़कियाँ तुम लोग भी जैसे बाहर जाते हो ना, नहीं ऐसे लड़कों के साथ मिलना बात नहीं करनी है, ऐसे लड़कों के साथ बात करो जो पढ़ाई में जो अच्छे हैं, पढ़ाई में जो मन लगाते हैं, हाँ जिसको जो पढ़ते हैं ठीक से। उल्टा पुल्टा जो होते हैं अभी तो बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे सब गलत काम करना अभी शुरू कर दिया है, समझ रहे हो। महाराज जी सेंट जोसेफ पढ़ते हैं तो हमें बहुत वो सख्त नियम है, एक दो जैसे बारहवीं क्लास के बंक मारते हैं तो माँ बाप ने खड़े कर कह देते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे ने भगा देंगे, वैसे नहीं जान देते उसमें थोड़ा जब भी तो इसमें डाल रखा। और स्कूल में जैसे कम रूल है, ज़्यादा रूल है, फादर बहुत वो रहता है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते भगवत सेवाई मतलब भक्ति, मतलब भक्ति किसको कहते हैं, मतलब भगवान का सेवाई भक्ति, भगवान की सेवाई क्या है, भगवान की सेवाई भक्ति है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं विग्रह क्या साक्षात भगवान है, किसी ने पूछा, जैसे लड्डू गोपाल हो है, जैसे कृष्ण, कहते जो छोटे छोटे जो ठाकुर है जो विग्रह, क्या ये साक्षात भगवान है क्या रूपा, तो किसी ने पूछा। भगवान कहते निश्चय ही। देखो हमारे मंदिर में एक अम्मा जी आती थी, कथा सुना, वृंदावन मठ में एक माता जी अम्मा जी आती थी, उसको तीन चार बच्चे, दो बच्चे शायद विदेश में, दो बच्चे भारत में, बच्चे लोगों ने कुछ पैसा देती थी, लेकिन वो कभी भी वो पैसा को अपना अच्छी अच्छी साड़ी नहीं पहनती, सीधा साधा साड़ी पहनती थी, उस पैसा को सब जमा करती थी, हर महीना में एक बार आती थी वृंदावन में आकर के सारे गौड़ी मठ से संतों को बुलाया करते थे, बुला करके वो जो पैसा बच जाते भोग लगाना, ठाकुर को कभी ड्रेस बना देना है, ठाकुर जी के लिए सेवा करती थी, और वो कढ़ी बहुत बढ़िया बनाती थी, वो कढ़ी अपना हाथ से बढ़िया करते, उसका जो छोंक देती थी बढ़िया करके उबालती थी, स्वयं उसको छोंक देती थी, बहुत सुंदर कढ़ी बनाती थी। बोले कढ़ी तो मैं बना दूँगी, आप लोग और दूसरे सब्जी बना दो, सबको प्रणाम देना। और उनको इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर राधा कृष्ण बड़े सुंदर सुंदर, जब जब आएगी वृंदावन में दो तीन सेट तो लेकर जाएगी, अपना अच्छी कपड़ा नहीं पहनेंगी, पहले जो सीधा साधा कपड़ा पहन लेगी, लेकिन बोले नहीं ये पैसा साधु को संत सेवा में, ठाकुर सेवा में। थोड़ी हारमोनियम भी बजाना जानती थी, ठाकुर के सामने बैठ कर बड़े सुंदर भजन सुनाएगी ठाकुर जी को, और जो आएगी ना जमुना में 30 गोता लगाएगी 30 दिन के लिए, बोले 30 दिन नहीं आ पाई हूँ, 30 दिन के 30 गोता लगाएगी। दामोदर मंदिर में जाएगी 30 परिक्रमा करेगी, पूरा मंदिर की 30 परिक्रमा, इतना चल थोड़ी सी मोटी थी कट कष्टों डंडे पकड़ के जाती थी, होने पर भी 30 परिक्रमा 30 गोता लगाएगी, और रोज ठाकुर को स्नान कराएगी, ठाकुर को रोज कपड़ा बदलाएगी, ठाकुर को तिलक कराएगी, और 1 लाख हरिनाम करती थी, 1 लाख हरिनाम करती थी। उसकी बात सुनोगे ना, मेरे कुछ ज़्यादा बात मेरे साथ में करते थे, मैं कथा सुनाती थी उनको, पति पत्नी बोलते थे महाराज जी ये ठाकुर बड़ा नटखट है, जब मैं कोई कपड़ा उसको जो वहाँ पर एक नंद किशोर दुकान है बढ़िया से बढ़िया कपड़ा खरीदी कर देगी, ये नहीं सोचेगी अरे ठाकुर का 10 सेट है और क्या लेने का जरूरत, नहीं आएगी तो बोले हमारी क्या इच्छा नहीं करती है ठाकुर को सेवा करने की, हैं हमारा की इच्छा नहीं करता है ठाकुर जी कपड़ा पहनने की, हैं हमारा कितना सेट है, अगर तुम्हारी शादी साल अगर आ जाए पति को बोलोगे नहीं एक नया साड़ी लाई ले आओ, अगर पति बहाना बनाए कि नहीं समय नहीं बोले पैसा मुझे दे तुम्हें खुद खरीद करके ले आऊँ, क्या ठाकुर की इच्छा नहीं होती है पहनने के लिए, इसलिए ठाकुर के लिए कहते इसको जब हम कपड़ा पहनाएंगे ना, जिस इसकी मन में जो इच्छा होगी वो कपड़ा पहनेगा, अगर मैं पहना दूँ ना अपने आप निकल जाएगा, नीचे गिर जाएगी कपड़ा, नीचे गिर जाएगी, उसका मतलब है ठाकुर ये कपड़ा कोई होता ना यहाँ ऐसे कपड़ा पहनना चाहते, उसकी जो इच्छा होगी वही कपड़ा पहनेगा, नहीं तो नहीं पहनेगा वो कभी 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 बोलेगा तो ठाकुर को कोई खाना खिलाए, अगर उसका पसंद नहीं हो ना, वो कहती थी उसका मुंह उतरा हुआ दिखता है, हाँ, कहते कहते मुंह बना देते हैं, कहते कहते मुंह उतरा हुआ दिखता है, इसका मतलब मैं समझ जाती हूँ ठाकुर को ये पसंद नहीं, फिर मैं और कोई चीज चटपट चीज बना करके फिर मैं खिलाती हूँ। और कभी कभी कहते ठाकुर जी कभी मेरे को स्वप्न में आते हैं ठाकुर जी, हैं बोलती ठाकुर मेरे स्वप्न में आती थी,
तुमने मेरे को ठंडा का समय आ गया, तुमने ये चीज मेरे को नहीं खिलाई तुमने, अभी तक तो तुमने ये चीज खिलाई, ठंडा समय होता है ना, कोई कोई चीज खाते, बोले तुमने ये चीज हमें इस बार नहीं खिलाई तुमने, हैं तुमने नहीं खिलाई। बोले महाराज ऐसे ऐसे मेरे को सपना आती है, देखो उसका शरीर कैसे छूटी है। एकादशी का दिन था, कार्तिक महीना थी, एकादशी का दिन था, सवेरे मेरे पास में फोन आया उसकी। बोले महाराज जी मैं वो आकर पैसा देकर सारी संतोष सेवा करती ना, बोले इस बार मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं जा नहीं पाऊंगी, मैं पैसा भेज रहा हूँ, 5,000 रुपया भेज रहा हूँ, मंदिर में भंडारा बना देना, संतों को प्रसाद खिला देना, और सबको 30-30 रुपया उसके लिए मैं अलग पैसा भेज रहा हूँ, सारे संतों को 30-30 रुपया दे दूंगा, मेरे कोई चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद में देखा शरीर छूट गया। बात करते करते थोड़ी देर पहले से बोली मैं पैसा भेज रही हूँ संतों सेवा के लिए, थोड़ी देर बाद में देखा शरीर छूट गया। मतलब कैसे बोलते 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 कैसे गई। इसलिए भागवत ने बताया अनायसन मरणम बिना दैन्यन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणम कथम स्यात्। इसका मतलब है, इसका मतलब होता है जीवन किसकी आनंद से जीवन बीतती है, आनंद में किसकी जीवन बीतती है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, हैं। इसलिए अनायासेन मरणम, बोले किसकी मृत्यु अनायास में होता है, बिना दुखों कष्ट के किसकी मृत्यु होती है, बोले अनाराधित गोविंद चरणम कथम स्यात्। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे तुम्हारी जीवन अच्छी नहीं बीत सकती है, मृत्यु अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए कभी कभी देखना बड़े लोग बड़े दुख कष्ट लास्ट में बड़े दुख कष्ट भोग करते हैं। इसलिए कहते केवल भगवान की भक्ति से ही होगा। कल मैंने ये देख रहा था, वीडियो देख रहा था, यहाँ पर वीडियो था, किसका वीडियो था कल, नहीं एकनाथ रात को मैंने किसी संतों का जीवन चरित्र देख रहा था, नरसी जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी देखो, एकनाथ जी थे वो गुरुदेव। देखो उन्होंने जब छोटा बच्चा था ना, एकदम छोटा बच्चा है, पिताजी कहीं बाहर गए, पिताजी तो अभी बोल कर गए बेटा ठाकुर जी को भोग लगाना, जो भोग लगाना उसने उसको भी देखा नहीं, नामदेव, हाँ नाम संत नामदेव, संत नामदेव। इसलिए अभी पिताजी तो बाहर गए, अभी बोले तुम लोग बच्चों के लिए सुना रहा हूँ, इसलिए बाहर गए, अभी उन्होंने ठाकुर जी को सामने उनका देश में जो इडली डोसा हाँ अचार सब ला के ठाकुर के सामने रखा, तो ठाकुर जी भोजन कर लो, उसने कभी तो भोग नहीं लगाया, पिताजी तो बाहर गए, बोले भोग लगा देना, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाए, ठाकुर खाना नहीं खा रहे, इतने में सब बोल रहे बोले पिताजी तो ठाकुर जी आप खाना क्यों क्यों नहीं खा रहे, पिताजी हाथ में रोज खाते थे, पिताजी हाथ में रोज खाते थे, मेरे हाथ में क्या नाराज हो, क्यों नहीं खा रहे, इसलिए खाओ, ये तो पिताजी मतलब डांट लगाएंगे हैं, इसलिए खा लो, तभी नहीं खा रहे, बोले आप खाना नहीं खाओ तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, वो अकड़ कर बैठ गया, मैं भी नहीं खाऊंगा, आप खाओगे तो भी खाओगे, भगवान स्वयं प्रकट हो, ठाकुर स्वयं प्रकट हो गए, और उन्हें ठाकुर जी को हैं ठाकुर जी ने खिला, ठाकुर उसको खिला रहे, वो ठाकुर को खिला रहे, दोनों को खिला रहे, वो ठाकुर जी को खिला रहे, ठाकुर उसको खिला रहे। तब उन्होंने खाली प्लेट लेकर गया, मैया ने पूछा बेटा खाना कहाँ है, बोले ठाकुर जी खा लिए हैं, बिठल ने खा लिया ठाकुर ने, बोले ठाकुर जी कैसे खा लिए, बोले मैं थोड़ी ये झूठ बोलता हूँ, मैं कसम खा कर बोलता हूँ, हैं मैं कसम खा कर बोलता हूँ ठाकुर जी खा लिए। मैया ने देखा, मैया सोच रहे थे बच्चा है ना खुद खा लिया होगा, लेकिन वो जो कसम खा कर बोले, बोले मेरे लाला को कसम झूठा कसम खा ही नहीं रहता, बोले क्या मेरे को दिखा सकते हो ठाकुर जी खाए, बोले क्यों नहीं, मैं फिर भोजन कराऊंगा कल, तुम आकर देखना। सचमुच से दूसरे दिन जब भोजन कराए, मैया साक्षात देखी दोनों को, ठाकुर जी उसको खिला रहे, वो उसको ठाकुर जी को खिला रहे, दोनों को खिलाते हुए साक्षात रूप में ठाकुर जी को देखे, दोनों खिला रहे थे हैं। इसलिए अगर हम भक्ति से अगर हम करेंगे ना, और एक संत का चरित्र सुन रहे थे, वो अकेले सेवा अकेले ठाकुर का सेवा कर रहे थे, अकेले सेवा नहीं हो पा रहा था, कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं आकर के उसको घर में नौकर बन गए, ठाकुर जी नौकर बनकर अपना नाम रख दिया, क्या नाम उसकी, उन्होंने अपना नाम रख करके श्रीखंड नाम रख करके ठाकुर जी स्वयं घर में सारे काम कर रहे, ठाकुर जी पानी ला रहे, बर्तन धो रहे, ठाकुर कर रहे। एक समय कोई एक संत थे,
तब उन्होंने लक्ष्मी को जो आराधना की, लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो गई, प्रकट हो गई तो बोले प्रभु जी कहाँ हैं, नारायण का। बोले अगर तुम नारायण को देखना चाहते हो अमुक संतों को चल एक नाथ घर में चले जाओ, देखना श्रीखंड नाम में जो एक नौकर सेवा कर रहे हैं वही ठाकुर जी। ठाकुर जी वाया देखने के लिए, ठाकुर जी कैसे हैं श्रीखंड नाम लेकर के। फिर जब उनको वो जब श्रीखंड जब बाहर से निकल रहे थे ना, इतने भटा दिए आए, जब आए बोले यहाँ पर श्रीखंड कहाँ है, बोले बोले एकनाथ का घर कहाँ, बोले यही है, बोले उनके घर में श्रीखंड कहाँ है, बोले उसको क्यों ढूंढ रहे हो, ठाकुर स्वयं बात कर रहे, बोले क्यों ढूंढ रहे, बोले माँ लक्ष्मी ने मेरे को बताया एकनाथ जी घर में मेरे प्रभु नारायण अभी श्रीखंड नाम लेकर कोई वहाँ पर ठाकुर का सेवा कर रहे, संत सेवा कर रहे वही नारायण। फिर उन्होंने बोले भैया या और नहीं रहनी चाहिए, यहाँ से चली जाना, मेरे को पकड़े में आ गया, मैं अभी पकड़े में आ गया, किसको पता नहीं था मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। इसलिए भगवान समझ रहे हो, भगवान की ठीक ठीक सेवा करोगे ना, अगर हृदय में तुम्हारी भक्ति रहे, ऐसे नहीं किसी तरह से मैया ने बोल दिया, मैया ने बोल दिया इसलिए ठाकुर जी को करना नहीं, हृदय से करना पड़ेगा, प्रेम से करना पड़ेगा। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हो। ठाकुर जी को ठीक ठीक से सेवा करोगे। हम बचपन में हमारे जो गुरुजी मतलब स्कूल में जो टीचर कथा सुनाते थे, कहते एक समय स्कूल में कोई फीस होगा खीर बनेगा, बोले सबको घर से दूध लेकर के आना। अभी एक बच्चा था, वो बच्चा जब आता था जंगल पार करके आता था, पहले से जंगल जंगल होता था, कभी कभी मैया को बोलता था मैया जब मैं जंगल पार करता हूँ मेरे को डर लगता है। उस समय सभी को भगवान पर विश्वास था, प्रत्येक तरह के बंधु है, उसका नाम हरि है, अगर कभी डर लगे ना उसको याद कर लेना है, बोले मेरे दोस्त है, बुलाएंगे तो आएंगे, बोले क्यों नहीं आएंगे। तो जंगल आया तो फिर उन्होंने बुलाया, हरि भैया तुम कहाँ हो आ जा। मैया ने बोला जब विपत्ति आई हरि भैया को बुलाना, सचमुच से कृष्ण आ गए, भगवान दोस्त साक्षात रूप में दोस्त बन करके आ गए और उसको रोज उसको जंगल पार कराते हैं। अभी स्कूल में एक दिन खीर बनेगा है, खीर बनेगा तो बोले अपना घर से दूध दे ले आना, लेकिन वो था साधारण घर का बच्चा, मैया कहाँ से दूध देगी। इतने बोले मैया हैं मैया हमको आज उत्सव होगा घर में, फीस होगी, बोले सब घर से दूध लेकर डालना कल सकोड़े में, अब मेरे को दूध कहाँ से, बोले हरि भैया को मांग लेना। जो आ रहा था उसने बुलाया, हरि भैया आ जा, हरि कृष्ण आ गए, बोले आज स्कूल में फीस है, खीर बनेगी, दूध मैया ने दिया नहीं, भगवान स्वयं दूध दिए। जब दूध दिए सबका सपड़े से तो दूध डाल रहे थे, लेकिन इसका जो दूध डाल ना खत्म ही नहीं हो, इसका दूध खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान दिए ना, ठाकुर जी दूध दिए हैं, वो खत्म नहीं हो रहा है दूध, किसी तरह से खत्म नहीं। बोले भैया ये दूध किसने दिया, बोले मेरे हरि भैया ने दिया है। बोले हरि भैया कहाँ से आते हैं, बोले मैया ने बोला जब तक उसको याद करोगे ना हरि भैया आएगा, समझ गए ये भगवान ये दूध दिए। इसलिए हम जब स्कूल में होते थे ना, हमारे टीचर लोग इस कथा सुनाया करते थे संतों की, इसलिए अभी तो स्कूल में सब भगवान की कथा बता कोई सुनाते नहीं, इसलिए बच्चे इसमें नास्तिक बन जाते। पहले टीचर लोग यही सुनाते, वाल्मीकि कथा सुनाते थे, प्रहलाद ध्रुव, मैंने भक्त कैसे बना, ऐसे भक्त बना। बचपन में जो बच्चों को सुना दो ना, उसको एकदम दिल में बैठ जाती है वो चीज़ की है। अगर बच्चे बोला भगवान भगवान कुछ नहीं, भगवान किसने देखा, बच्चों का दिल में वही चीज़ बैठी जाती है, और सब के सब नास्तिक बन जाते हैं बच्चे लोग हैं, अरे भगवान भगवान किसने देखा, बेकार बात, समझ रहे हो। हाँ, इसलिए अगर घर में जो लड्डू गोपाल है ना, ये बोलता है खाता है हैं मुंह बनाता है, लेकिन जब तुम दिल से सेवा करोगे, ये संतों का नाम, ये सब संतों का नाम दुनिया में क्यों हो गया, कारण क्या है, संतों का नाम किस लिए हुआ है, नरसिंह भगत का। अगर ये सब कथा सुनोगे ना, भात भरने के लिए गए ठाकुर स्वयं, ऐसे चांदी सोने की बरसात हुई ना, जिसको देख देख के दंग रह गए, ऐसे सोने चांदी की बरसात हुई है, ऐसे बरसात हुई, एकदम सब देख करके आश्चर्य में पड़ गए, बाबा रे, ठीक है। इसलिए कहते हैं ये कौन है, साक्षात भगवान है ठाकुर जी हैं, विग्रह स्वयं कृष्ण है, प्रतिमा न हो तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन महाप्रभु। जब ठाकुर जी जगन्नाथ जी को देखते थे, बोले ये विग्रह नहीं, ये स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, विग्रह भगवान अर्चावतार, निज हृदय देवता ही बाहरे मूर्ति रूपे प्रकाशित। कहते संत लोग विग्रह क्यों स्थापना करते हैं, वो तो अंदर में ठाकुर को दर्शन करते रहे,
दर्शन करते रहते हैं अंदर में, अरे सामने विग्रह क्यों स्थापन करते, कारण है कभी कभी उनका हृदय में दर्शन मिलता है, जो हृदय में ठाकुर को दर्शन करते हैं यही से विग्रह ही सामने प्रकाशित करते हैं, तो ये विग्रह को देखते हैं हृदय में जो ठाकुर दर्शन को करते हैं पास उनको याद आता है, याद आते ही ठाकुर को दर्शन करते प्रेम में गदगद हो जाते, इसलिए ये विग्रह को स्थापन करते हैं। ठीक है ना, क्या करना, रोज तुम भोग लगाना, तुम दोनों लड्डू गोपाल को स्नान करना अच्छे तरह से, जैसे ठंडा समय ठंडा है थोड़ी सी पानी गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जितना गर्म पानी से हम स्नान करते हैं उतना पानी से स्नान कराना ठाकुर जी को, बढ़िया से मल मल कर ठाकुर जी, जब मैला हो जाते ना नहीं तो नींबू से नहीं तो उसको दही से, हाँ नींबू थोड़ा नींबू लगा दो नहीं तो थोड़ी सी हल्दी दही से रगड़ रगड़ कर दो ठाकुर एकदम साफ हो जाएंगे, बढ़िया आग लगाना रोज सुंदर तिलक लगाना, और ऐसे ठाकुर को अलका ऐसे ऐसे करते हैं ना तिलक से ऐसे ऐसे अलका सजाना ठाकुर जी, और आसपास में फूल होगा तो थोड़ा फूल तोड़ करके ले आना, ला करके सुंदर ठाकुर को माला बनाना, जैसे पार्क में फूल इधर उधर मिलेगा ना, ला करके फूल की माला बना कर ठाकुर को पहनाना, देखना उनको सेवा करोगे तो ठाकुर खुश हो जाएंगे, पढ़ाई तुम्हारा बढ़िया होगा, ठाकुर जी फिर तुमसे बात करेंगे, कभी बुलाओगे ठाकुर तुम्हारे पास जाएंगे, ठीक है ना। हाँ शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर ब्रह्मानंद देवी हरि हरि बोल। अरे बच्चों को दिखा दो।